साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों कुछ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं पैसों को खींचने का, है ना। मतलब कि जैसे कि पैसे हैं, करेंसी है, इसमें क्या एनर्जी है, तो इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए यदि हम कुछ पौधे अगर अपने घर में सही दिशा में लगा लेते हैं तो इससे वास्तु का बैलेंस बन जाता है। जैसे कि आपके घर की सबसे स्ट्रांग डायरेक्शन जो होती है ईशान दिशा होती है। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कॉर्नर होता है ये ईशान दिशा कहलाती है, ठीक है। तो ये जो होती है सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अगर इसके मैं वास्तु टिप्स आपको दे रहा हूं कि इस डायरेक्शन में कभी भी आपको कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी वजनदार सामान आपके इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी कोई आप गलती कर रहे हैं कि आपकी ईशान डायरेक्शन में कुछ गंदगी है या फिर कुछ वजनदार सामान रखा हुआ है तो उसको तुरंत आप हटा के अलग कर दें, क्योंकि यहां पर यदि कोई भी गंदगी होती है, वजनदार सामान होता है, तो लाइफ में ऑप्टिकल साधन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका वास्तु जो होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब आपके वास्तु का बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी लाइफ का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ईशान दिशा का नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ईशान मतलब ईश्वर की दिशा। कहा जाता है कि घर में जो एक वास्तु पुरुष होते हैं, वास्तुपीठ देवता होते हैं, ठीक है, तो महादेव ने किसी का, ये बहुत लंबी कहानी मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, महादेव ने इनको पैरों से दबा दिया था पृथ्वी में। तो ईशान दिशा तरफ इनका मुख होता है, ठीक है। दो हाथ उनके होते हैं, एक हाथ होता है इनका वायव्य दिशा में, सॉरी आग्नेय दिशा में, और एक होता है वायव्य दिशा में। पैर इनके होते हैं ये क्या नाम है, नैऋत्य दिशा में, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में इनके अलग अलग शरीर स्थापित हैं, शरीर के हिस्से स्थापित हैं। तो यदि अगर ईशान डायरेक्शन में कोई वजनदार सामान रख देते हैं तो इनके मुख की तरफ कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वजनदार सामान नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लाइफ में ऑप्टिकल आना शुरू हो जाते हैं। तो ईश्वर की दिशा, यहां पर हमेशा पूजा पाठ का ही घर होना चाहिए, या तो फिर मंदिर हो या फिर पूजा पाठ की कोई सामग्री रख सकते हैं, लेकिन गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। ये आपको मैं वास्तु टिप्स दे रहा हूं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, बीमारियां हैं, ठीक है, मतलब दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, तो अपने ईशान डायरेक्शन को आप स्वच्छ कर लीजिए। वहां पर कभी कोई गंदगी मत रहने दीजिए। अगर गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपका वास्तु बिगड़ा हुआ होगा। और मैं एक छोटे से पौधे की बात बता रहा हूं, आज आपको एक वृक्ष बता रहा हूं। जैसे कि तुलसी तो आप सभी जानते हैं, तुलसी तो एक ऐसा पौधा है जो कि मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी को संचार करता है, नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी सदैव स्थिर वास करती हैं। और तुलसी के साथ में यदि शालिग्राम को रख दिया जाए फिर तो सोने पे सुहागा। साक्षात विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करते हैं, हमेशा उस घर में धन की बरकत होती है। कहा जाता है कि शालिग्राम का चरणोदक यदि नित्य प्रति पिया जाए तो उससे जिंदगी में धन का आगमन बढ़ता है। शालिग्राम भगवान को जल चढ़ा करके उनका जो चरणोदक निकलता है, चरणामृत निकलता है, उसको यदि ग्रहण किया जाए तुलसी डाल करके, तुलसी अर्पित किया जाए यदि शालिग्राम पे, तो शालिग्राम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, तुलसी हो गया, ये सब तो पूजनीय वृक्ष हैं। इसके अलावा जिस वृक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पौधे की, इसके तो यदि आप दर्शन भी करते हैं, अगर इसको स्पर्श भी करते हैं, तो आपके शनि की पीड़ा शांत हो जाती है, आपके नौ ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है, और घर में इसको सही दिशा में रखने पर आपका वास्तु बैलेंस हो जाता है। वास्तु संबंधित कोई परेशानी है, पितृ दोष है घर में, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानियां लगी हैं, तो इस वृक्ष को ला करके आप किसी भी दिन ला सकते हैं। बस इसमें यदि दीपक जलाएं और इसके सामने आप यदि स्वच्छता रखें तो दोस्तों आपके घर में हमेशा धन की बरकत होगी। शनि राहु केतु आपको कभी पीड़ित नहीं करेंगे। बस इस वृक्ष को, इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं आप, और गमले में लगाने के बाद में यदि आप इनका एक पत्ती अगर गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि गणेश भगवान आपके सारे विघ्नों को हरेंगे, महादेव आपके घर में धन की बरकत करेंगे। शनि के संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। कोई भी ग्रहों से पीड़ा, नौ ग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा है तो वो भी आपकी शांत हो जाएगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विचवर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो कुछ खास समय पर कुछ खास रेमेडीज की जाती है, ऐसे वीडियो भी बनाता हूं, वो कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूं तो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है। और दोस्तों जो लोग भी मुझे अपनी बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से उस प्लैनेट को बैलेंस करके और फिर रेमेडी करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यदि मुझे कॉल में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो भी समस्या आपकी है, बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ग्रह कलेश ज्यादा है, घर में वास्तु अनबैलेंस है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पति पत्नी में अनबन है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यदि मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपका बर्थ चार्ट देख करके, और यदि आपके पास में बर्थ चार्ट नहीं भी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नाम माता पिता के नाम पे एनर्जी बेस पर आपको सटीक समस्या का समाधान दिया जाएगा। कोई भी समस्या है आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूं वो है शमी। शमी जो होता है, यदि शमी के एक पत्ते को शहद में डिप करके, ठीक है, और ओम शोम शोमेश्वराय नमः नित्य प्रति आप महादेव को शमी का पात्र अर्पित करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे सोमवार से स्टार्ट करें और नित्य प्रति शहद में डिप करके और महादेव को ओम शोम शोमेश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा महादेव को शमी का पात्र अर्पित करें। आप एक भी ले सकते हैं, आप सात भी ले सकते हैं, ग्यारह भी ले सकते हैं, 21 जो भी आप कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आपकी भूमि भवन संबंधित यानी कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी के योग बनना शुरू हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका खुद का घर हो, ठीक है, तो इसके लिए आप महादेव को शहद में डिप करके शमी का पात्र चढ़ाएं, शमी का पौधा घर लेकर के आए, ठीक है। अपने घर की यदि ईशान डायरेक्शन में आप रख देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ईशान डायरेक्शन जो होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग डायरेक्शन होती है आपके घर की पॉजिटिविटी के लिए, तो यदि आप यदि पौधे को लाते हैं शमी का और अपने घर की ईशान डायरेक्शन में रखते हैं और रोज उसमें शनिवार, रोज नहीं जला पा रहे हैं तो रोज दीपक जलाएं, लेकिन शनिवार के दिन में लोहे के दिए में और काले तिल का यदि आप वहां पर दिया जलाते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप दोस्तों शनि दोष है या फिर राहु केतु का आपका दोष है तो ये कभी जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे, शनि आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, पैसों का आगमन नहीं है, धन की बरकत नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। और नित्य प्रति यदि शमी के वृक्ष के आप सिर्फ दर्शन भी करते हैं तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और शमी पात्र को कहा गया है दोस्तों कि यदि एक साल तक कंटिन्यू आपने अगर गणेश भगवान को एक शमी पात्र चढ़ा दिया तो एक साल तक यदि कंटिन्यू मतलब बिना स्किप किए तो इससे क्या होता है कि वाणी सिद्ध हो जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आप अपने किसी भी कार्य को ये बोलेंगे कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो तो वो कार्य आपका 100% पूरा होगा, गणेश भगवान आपके उस कार्य में आने वाले हर विघ्न को हर बाधा को हर लेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर एक साल तक यानी कि 365 दिन आपने शमी पात्र गणेश भगवान को चढ़ा दिया, शमी पात्र आप गणेश भगवान को अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं फोटो रख के या फिर किसी मंदिर में जाके भी चढ़ा सकते हैं, है ना। और नित्य प्रति दोस्तों कहा जाता है कि जो शमी पात्र की पूजा करता है, शमी के वृक्ष की पूजा करता है, उस पर माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शनिदेव की और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शमी वृक्ष को दोस्तों साधारण ना समझे, जिस घर में ये होता है और सही तरीके से हो, सही डायरेक्शन में हो तो इससे क्या होता है कि वास्तु बैलेंस हो जाता है और पैसा आने लगता है। लेकिन यही पौधा भी अगर आप गलत तरीके से रखते हैं घर में, आपको यदि नॉलेज नहीं है तो अगर गलत जगह रख देते हैं, गलत दिशा में रख देते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं, ईशान डायरेक्शन में रख सकते हैं। और यहां पर हमेशा स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपने लाके सिर्फ रख दिया, इसमें नित्य प्रति आपको सेवा भी करनी है, जल चढ़ाइए, पूजा करिए, अगरबत्ती लगाइए, धूप दीप करिए, तब ये दोस्तों अपना असर दिखाना शुरू करता है। और कहा जाता है दोस्तों कि शनिवार के दिन में यदि शमी, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि शमी वृक्ष की जड़ को शनिवार के दिन में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके काले धागे में लपेट के यदि आप कमर में धारण करते हैं तो शनि, जो शनि की कैसी भी दशा आपके ऊपर चल रही है वो दशा आपकी दूर हो जाएगी, शनि अपना शुभ फल देकर के आपकी जिंदगी में धन का आगमन बढ़ा देंगे,
पैसों की बरकत बढ़ा देंगे, आपको जिंदगी में ग्रोथ देंगे, सक्सेस देंगे, सभी कार्य जो आपके बनते कार्य जो बिगड़ रहे थे उनमें आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। शनि यदि बैलेंस हो जाते हैं तो राहु केतु ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं, तो आप चाहें तो शनिवार के दिन में एक समय की जड़ दे करके पहले आज्ञा लेने से समी वृक्ष से और एक छोटी सी थोड़ा जड़ निकाल करके और ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके और काले धागे में अपने कमर में बांध लीजिए। शनि कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। और नित्य प्रति इस वृक्ष की आप पूजा करिए और सही डायरेक्शन में रखिए, कभी इस वृक्ष के सामने गंदगी ना रहे। नित्य नहाने धोने के बाद में इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसकी सेवा करें, फिर देखिए आपके घर में कैसे धन खिंचा चला आएगा। दर्शन करने मात्र से ही इसका बहुत ज्यादा लाभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में शमी पात्र को बहुत ज्यादा बताया गया है, क्योंकि शमी पात्र में आप देखेंगे कि एक पत्ता आप तोड़िए, ठीक है, तो उसके एक एक पत्ते में आपको देखेंगे कि बहुत सारे पत्ते हैं, और उस एक पत्ते के अंदर भी देखेंगे तो उसमें हजारों पत्ते हैं। मतलब एक यदि शमी पात्र आप चढ़ाते हैं तो हजारों शमी पात्र चढ़ाने का आपको फल मिलता है। तो महादेव को नित्य प्रति आप शहद में डिप करके और ये शमी पात्र चढ़ाइए, गणेश भगवान को चढ़ाइए, शनि महाराज का नाम लेके महादेव के सामने चढ़ा सकते हैं, और शनिदेव को यदि चढ़ाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा। हर शनिवार के दिन में आप 8 शमी पात्र लेकर के और ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रेम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः इस मंत्र के द्वारा आप शनिदेव को आप शमी पत्र चढ़ाइए, शनिदेव आपकी झोली भर देंगे, शनिदेव की कभी भी कोई दशा आपको नहीं सताएगी। और शनि दोस्तों सब आप सभी जानते हैं कि न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं, तो हमारे जो बुरे कर्मास होंगे उनको क्लियर कर देंगे, और जो हमारे लाइफ में जो ऑप्टिकल्स आते हैं ये बुरे कर्मास की वजह से ही आते हैं, और शनि जिस पर प्रसन्न हो गए तो सारे के सारे ऑप्टिकल्स ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। पूरे विश्वास के साथ में जैसा मैंने बताया शमी वृक्ष के इस रेमेडी को आप करिए, अपने घर में जरूर लगाएं शमी का पौधा और इसकी नित्य प्रति आप सेवा करिए, ठीक है। जानकारी दोस्तों यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अच्छी जानकारी आप आगे शेयर करेंगे और भी लोग इसका बेनिफिट प्राप्त करेंगे, है ना, और भी लोग इसका बेनिफिट ले सके, इसलिए इस जानकारी को आगे और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।